हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और क्वेश्चन पोलर फॉर्म पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कहती है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये जो इक्वेशन होती है वो लूप की होती है और लूप आपका ऐसा बनता है, ठीक है। ये मैंने समझा रखा है, जो वीडियो है हमने बनाई थी हम लोगों ने कि कर्व ट्रेसिंग उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लूप की ऐसे बनती है। एग्ज़ाम में एक्चुअली ये फिगर नहीं बनाना है परफेक्ट में, उससे तो बस एरिया से मतलब है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको इसका टोटल एरिया निकालना है तो इसके कितने पार्ट्स हैं, फोर पार्ट्स। अगर एक पार्ट निकाल दोगे उसको अगर आप फोर से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल आ जाएगा। सो आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा आपका, आप ऐसे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 4 इंटू थीटा की लिमिट 0 से कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता, अभी हम पता करेंगे। आर की लिमिट 0 से फंक्शन ऑफ थीटा में जाती है और फॉर्मूला लगता है आर डी थीटा डी आर का, ठीक। ये चीज़ है, अब थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगी। वैसे फिगर में मैंने बोल तो दिया 5/4, लेकिन ये आया कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ आया कैसे। देखिए हमारे पास कर्व क्या है, सिंस हमारे पास कर्व है आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, और r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। r की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो तो यहाँ से 0 स्क्वायर टू किया जाएगा कॉस टू थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में जाएगा तो 0 हो जाना है। 0 किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई बाई टू की, और यहाँ क्या आ गया कॉस टू थीटा, यानी कि पाई बाई टू बराबर क्या आ गया 2 थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/4। नो प्रॉब्लम, पता चल गया। और फंक्शन थीटा की वैल्यू रखनी है, यानी कि आर की वैल्यू रखी जाती है, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए सिंस आर स्क्वायर हमारे पास क्या था ए स्क्वायर कॉस टू थीटा था, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी ए अंडर रूट कॉस टू थीटा, ठीक है। तो आर की वैल्यू ये है और थीटा की वैल्यू ये आई है। अब हम देखिए क्या हो जाएगा हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सो फ्रॉम फर्स्ट लिख के आप लिखोगे, यहाँ तो 4 है, थीटा की लिमिट 0 से जा रही है 5/4, आर की लिमिट 0 से अभी हमने देखा था कितना था ए अंडर रूट कॉस टू थीटा, और फार्मूला में क्या था आर डी थीटा डी आर। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ओके। तो आर की वैल्यू एल्जेब्रिक में है, यानी कि सबसे पहले हमें किसको इंटीग्रेशन करना है, आर को। तो यहाँ 4, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 4, और यहाँ लग जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा, क्योंकि डी थीटा का हुआ नहीं है, आर का हुआ है। आर का क्या होगा इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है, 0 से ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा। अब एक बार क्या लिखना है, अपर लिमिट बट्टे का 2 इधर रहा दो, अपर लिमिट यानी कि ए का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, क्या गया कॉस 2 थीटा माइनस 0 बाहर से डी थीटा। और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से 2 आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 4, और यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ठीक। ये चीज़ आ गई, कॉस 2 थीटा आ गई। अब ए स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 4, अंदर क्या बचा कॉस 2 थीटा डी थीटा। और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 थीटा, और अपॉन में क्या लग जाएगा 2 थीटा है तो अपॉन में 2 लग जाएगा, और लिमिट कहाँ से जा रही है 0 से पाई बाई 4, ठीक। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया ए स्क्वायर, अपर लिमिट साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4, और 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाना है साइन 0, तो यहाँ से क्या गया ए स्क्वायर साइन पाई बाई 2 माइनस के, यहाँ से क्या साइन 0 का वैल्यू 0 होती है, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 0, यानी कि ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है।